हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो आप हैं, आपका पूरा ध्यान आपके पर्सन की तरफ है। और यहाँ पर ऐसा है कि आप भले ही ऐसा बताते हैं कि आप अब अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं और आपको वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, किसी तरह से अपनी लाइफ में ग्रो करना है, अब इनकी तरफ ध्यान नहीं देना, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्यार है आपके दिल में इनके लिए। आप पैशनेट भी हैं इनके लिए और किसी भी तरह कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी आपका ध्यान उस इंसान से नहीं हटता है। आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गाइस, और इनके साथ ऐसा कि चाहते हैं कि आपको समय दें, क्वालिटी टाइम आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये आपको समझें, आपको प्यार दें, और ऐसा है कि किसी भी टाइम पे ऐसा ना हो कि आपका साथ छोड़ें, हर समय ये आपके साथ रहें। आपको इनका साथ पसंद है और आप इनके अलावा किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहते, ऐसा भी है। और हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हैं। ये बहुत से लोगों के साथ हो सकता है कि ये, या कहीं ऐसा है ये किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं, कहीं और कमिटेड हैं। और क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा ही है कि ये आपके साथ रिश्ते में आए हैं लेकिन ये और भी कहीं मैरिड हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि ये आपके साथ मैरिड हैं और ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी हैं, ये भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ ऐसा है गाइस कि और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस रिश्ते में ऐसा है कि पैशन भी है, प्यार भी है, रोमांस है। यहाँ पर अभी ऐसा है गाइस कि आप दोनों अलग तो हो गए हैं, लेकिन हो सकता है ये रिश्ता कई बार यहाँ पर उतार चढ़ाव आए हैं, बार बार आप लोग अलग होते, कुछ भी यहाँ ठीक नहीं चल रहा था। तो अभी यहाँ पर ऐसा है कि इसी रिश्ते में काम हो रहा है। अब यहाँ आप लोग दोनों अलग हैं तो आप लोगों को लग रहा होगा कि अब यहाँ कुछ भी बाकी नहीं है, इस बार पूरी तरह से आप दोनों अलग हो गए। तो ऐसा नहीं है, आपके रिश्ते में ऐसा है कि मजबूती लाने के लिए ही आप दोनों को अलग किया गया है। हो सकता है आप में कुछ कमी थी, या ये था कि आप खुद पर ध्यान न देकर इनके पीछे भाग रहे थे, और इनका ऐसा था कि आप पर ध्यान न देकर ये आपसे दूर भाग रहे थे, दूसरों की तरफ ध्यान देते थे। तो यहाँ इसी चीज़ का एहसास कराना है, इसी गलती को सुधारने के लिए आप दोनों को इस बार ऐसा है कि लंबे समय के लिए अलग किया गया है, ताकि एक दूसरे की कमी को आप समझ सकें। और एक दूसरे के लिए ऐसा है कि जितना प्यार आपके आपका है उनके लिए, उतना ही प्यार उनका भी आपके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप ही किए जा रहे हैं इस रिश्ते में, और उस इंसान का ऐसा है कि मनमानी चलती है। तो इन्हीं सब चीज़ों में सुधार लाने के लिए आप लोगों को अलग किया गया है, आपके रिश्ते पर काम हो रहा है, और यहाँ पर इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए ही ये सब किया गया है। अभी आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि पिछले कुछ टाइम से बहुत अकेलापन महसूस भी कर रहे हैं और अपने आप को अब बदलने का भी ये प्रयास कर रहे हैं, और अभी बहुत ज़्यादा परेशानियों में भी ये इंसान घिरा हुआ है। कुछ भी इनकी लाइफ में सही नहीं चल रहा है, हेल्थ भी इनकी सही नहीं रहती गाइस, और इनको नींद की कमी भी है, ठीक से ये सो नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी है। कहीं ना कहीं ये इंसान के अंदर डर भी है गाइस, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा ऐसा इनको लगता है, सब कुछ इनके हाथ से निकल जाएगा ऐसा इनको लगता है। इनकी सिर्फ लाइफ में ऐसा नहीं है गाइस कि लव को लेकर ही परेशानी है, और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पर जिनकी वजह से ये परेशान हैं, और यहाँ पर ये आपको भी मिस कर रहे हैं। और वही है कि सब कुछ इनको अपने हाथ से निकलता हुआ नज़र आता है, चाहे वो जो इन्होंने कमाया है अब तक वो हो, प्रॉपर्टी बनाई वो हो, या आपका मामला हो, यहाँ पर इनको यही लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ भी इनके पास अब रुकने वाला नहीं है। अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, इनकी इच्छा है आपसे बात करने की लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और ये जो डर है वो इसलिए है गाइस कि इनको लगता है कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो हो सकता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दें अब, क्योंकि जो पास्ट में आपके साथ हुआ उसकी वजह से, तो यहाँ पर फिर ये कहाँ जाएंगे, ऐसा इनको लगता है। तो इसलिए क्या है, डर की वजह से आपसे कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रहे हैं, रिजेक्शन का डर यहाँ पर दिखाई देता है। और अब आपके पर्सन को वही लगता है गाइस कि जो उन्होंने आपके साथ किया है उसके बाद अब आपको वो कैसे फेस करेंगे,
ये भी उनको लगता है। और फिर यहाँ पर वही है कि डर भी रहे हैं कि इनको लगता है आप अपनी लाइफ में शायद आगे बढ़ चुके हैं, तो ऐसा है कि इनको रिजेक्ट भी करेंगे। तो यहाँ बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। और देखिए, जो पास्ट में गलत हुआ है, इन्होंने जो आपके साथ गलत किया, वही चीज़ें इनको याद आ रही हैं बार बार, जिसकी वजह से भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आने वाले 2 हफ्तों में ये आपसे किसी तरह से बात करेंगे, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए बातचीत होगी तो लड़ाई झगड़े भी होंगे, ऐसा दिखाई देता है। ये 2 हफ्तों में यहाँ पर कॉन्टैक्ट करने का इनका पूरा प्रयास रहेगा और ये करेंगे भी, लेकिन यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होना है आप दोनों का। और आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं। इनसे जब बात होगी, ये किसी तरह से आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और वहाँ पर जो बहस होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, उसके बाद हो सकता है कि आप इनको ब्लॉक करें या इनका नंबर डिलीट कर दें, क्योंकि जो गुस्सा है वो आप ही की तरफ दिखाई दे रहा है गाइस, कि आप में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी अभी भी है। और ये बात करेंगे तो और ज़्यादा ऐसा है कि आप नाराज़ होंगे, क्योंकि आपको इनकी सारी गलतियाँ अच्छी तरह से याद हैं, जो जो आपने सहा वो आपको याद है। यहाँ पर इनकी तरफ से कोई गलती दिखाई नहीं दे रही है गाइस आने वाले 2 हफ्तों में। ये क्या है, ये तो पूरा प्रयास करके आपसे बात करने के लिए भी तैयार हैं और यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट कर भी लेंगे। ये आपकी तरफ से ही ऐसा है कि आपको ये लगेगा कि अब कोई मतलब होगा इसलिए इंसान आया है, इतने समय से आप इनका इंतज़ार कर रहे थे तो ये क्या कर रहा था। और यहाँ पर जो आपको ये हर्ट करके गए, वो सारी बातें भी आपके दिमाग में चलेगी, तो यहाँ पर इसीलिए लड़ाई झगड़े भी होंगे, पुरानी बातें निकलेंगी। और यहाँ पर ऐसा भी है कि आप इनका नंबर डिलीट करेंगे, आपको लगेगा कि ऐसा इंसान नहीं चाहिए लाइफ में जो अपने मतलब से आता है और जब आपको ज़रूरत होती है तो आपके साथ नहीं होता है। और यहाँ पर आपके गुस्से का एक कारण वो थर्ड पार्टी भी रहेगी गाइस, जिसकी वजह से आपको यही लगेगा कि जब सब कुछ अच्छा रहता है तो थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं, जब वहाँ कुछ गड़बड़ होती है तब इनको दुख के समय आपकी याद आती है। यही सब कारण रहेगा आपकी नाराज़गी का। और देखिए यहाँ पर वही है कि आप तो नंबर वगैरह डिलीट करेंगे या ब्लॉक कर देंगे, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। और फिर ऐसा है कि हो सकता है 1.5 से 2 महीनों में फिर ये इंसान प्रयास करें आपसे बात करने का, क्योंकि वही बात तो है कि देखिए इनके साथ अभी कुछ भी सही नहीं चल रहा है, अब इनको किसी का सहारा नहीं है तो किसकी याद आ रही है, आपकी। तो उसके बाद हो सकता है 1.5 महीनों में या 2 महीनों में ये फिर आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी इनका ध्यान आप ही की तरफ है, इनको पता है कि आपके जैसा इनकी लाइफ में कोई है ही नहीं। और हो सकता है गाइस कि पास में खुद तो गलतियाँ कर रहे थे और यहाँ पर हो सकता है झूठे इल्ज़ाम आप पर लगाते थे, किसी तरह से आप पर दोष डालते थे, अपनी गलती को नहीं देखते थे इंसान, तो यहाँ पर इन सब को भी आप याद करके गुस्सा होंगे। और देखिए वही सबसे बड़ी बात है कि थर्ड पार्टी के साथ जब ऐसा है कि अच्छा समय रहता है तो थर्ड पार्टी का साथ देते हैं, वहाँ सेलिब्रेशन होता है, और यहाँ पर ऐसा है कि जब दुख का समय आता है तो आके आपके सामने अपना दुखड़ा रोते हैं। तो इन्हीं सब को याद करके ही आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होंगे। अभी आपको भले ही लगता है कि आपसे बात करेंगे तो आप इनको फिर से माफ़ कर देंगे और रिश्ते में वापस आएंगे, लेकिन वो समय वही रहेगा जब आपसे बात करेंगे तब आपका गुस्सा और ज़्यादा भड़केगा। आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है गाइस, इसीलिए क्या है ना, आप उनको छोड़ पा रहे हैं ना वो आपको छोड़ पा रहे हैं। और आपके पर्सन को ही लगता है गाइस कि जो इनकी हरकतें इनको याद आती हैं, तो इनको लगता है जो इन्होंने किया वो आप डिसर्व नहीं करते थे और आपने बहुत कुछ इनकी वजह से झेला है, तो वही बात है कि अब आप इनको रिजेक्ट करेंगे। और इनके आसपास के लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं गाइस जो इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं, कैसे इनको रहना है समाज में, कैसे उठना बैठना है, कैसे इनका रहन सहन होना चाहिए, कैसे इनको व्यवहार करना है, यहाँ ज्ञान देने वाले इनके आसपास बहुत है और इन्हीं लोगों को सुनकर इन्होंने आपका साथ छोड़ा है, ये भी हो सकता है। और अब इनको ये भी डर लगता है गाइस कि इन्होंने जो आपके साथ किया उसका कर्मा इनको तो फेस करना ही पड़ेगा, इसलिए भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर वही बात है, आपसे भी डर रहे हैं, अब अपने किस्मत के बदलने से भी डर रहे हैं कि इनके साथ अभी भी बुरा हो रहा है और बुरा ना होने लग जाए, और ये हो रहा है इसीलिए कि आपको हर्ट किया, ये भी इनको लगता है, इसीलिए आपसे ये कॉन्टैक्ट कर लेंगे। पर वही है कि लड़ाई झगड़े भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद 1.5-2 महीने में फिर ये आपसे कॉन्टैक्ट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन वही बात है गाइस कि अभी यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हुआ है, ये आना जाना इनका चलता रहेगा। अभी इस देखिए रिश्ते में जो काम यूनिवर्स कर रहे हैं इस रिश्ते को मजबूत बनाने का, अभी ये इंसान को उतना ऐसा है कि इतना ज्ञान इनके पास अभी नहीं है,
जितने समझदार आप हैं उतने समझदार अभी आपके पर्सन नहीं हुए हैं, तो ये आपकी तरफ जल्दबाजी में बढ़ तो रहे हैं, लेकिन अभी वही हाल है कि फिर कुछ समय में रिश्ता ख़राब होगा, फिर ये वही बचपना दिखाएंगे, तभी इनका ये सब चलेगा। तो थोड़ा यहाँ पर आपको सोच समझ कर रिश्ते में वापस आने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ये इंसान पूरी तरह से ऐसा है कि हील भी नहीं हुए हैं। तो आपके लिए तो वही गाइडेंस है गाइस कि आपको बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, किसी के पीछे नहीं भागना है, किसी के लिए परेशान भी नहीं रहना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर ही काम करना है, और जो जब सही समय आएगा तो आपकी लाइफ में जो भी ऐसा है कि परेशानियाँ हैं ये खुद दूर हो जाएंगी। क्योंकि अभी ये इंसान आएंगे ज़रूर, पर वही है कि पूरी तरह से सुधार नहीं आया है, तो अभी जल्दबाजी आपको भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा समय और लेना चाहिए। तब तक कैसा है कि इस इंसान में ये हील भी हो जाएंगे और इनको थोड़ी समझदारी भी ज़्यादा हो जाएगी, और अभी आएंगे तो लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा समझदारी से बात करने की ज़रूरत है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।